ओम श्री गणेशाय नमः। घर की गरीबी दूर करने के लिए शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों का पालन करने पर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा ही एक उपाय है तुलसी के जड़ के पास शालिग्राम रख कर रोज पूजा करना। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जिन घरों में तुलसी के साथ शालिग्राम की पूजा की जाती है वहाँ दरिद्रता नहीं आ पाती। आइए जानते हैं शालिग्राम से जुड़े कुछ खास बातें। शालिग्राम नेपाल की गंडकी नदी के तल से प्राप्त होते हैं। शालिग्राम काले रंग के चिकने अंडाकार पत्थर को कहते हैं। इसे स्वयंभू माना जाता है, यानी इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति इन्हें घर या मंदिर में स्थापित करके पूजा कर सकता है। शालिग्राम अलग अलग रूपों में मिलते हैं। कुछ अंडाकार होते हैं तो कुछ में एक छेद होता है। इस पत्थर में शंख, चक्र, गदा या पद्म के निशान होते हैं। अब जानते हैं घर में शालिग्राम रखने के फायदों के बारे में। पहला, भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है और तुलसी अर्पित करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा, शालिग्राम और भगवती स्वरूपा तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। तीसरा, तुलसी शालिग्राम विवाह करवाने से वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो कन्या दान करने से मिलता है। चौथा, पूजा में शालिग्राम को स्नान कराकर चंदन लगाएं और तुलसी अर्पित करें, भोग लगाएं। यह उपाय तन, मन और धन सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। पांचवा, विष्णु पुराण के अनुसार जिस घर में भगवान शालिग्राम हो वह घर तीर्थ के समान होता है। छठवां, ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में बताया है कि जहां भगवान शालिग्राम की पूजा होती है वहां विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी भी निवास करती हैं। सातवां, पूजा में शालिग्राम पर चढ़ाया हुआ जल भक्त अपने ऊपर छिड़कता है तो उसे तीर्थों में स्नान के समान पुण्य फल मिलता है। आठवां, जो व्यक्ति शालिग्राम पर रोज जल चढ़ाता है वह अक्षय पुण्य प्राप्त करता है। नौवां, शालिग्राम को अर्पित किया हुआ पंचामृत प्रसाद के रूप में सेवन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दसवां, जिस घर में शालिग्राम की रोज पूजा होती है वहां के सभी दोष और नकारात्मकता खत्म होती है। तो ये तो फ्रेंड्स, तुलसी के नीचे रख दें ये चमत्कारी चीज, घर में घुस नहीं पाएगी दरिद्रता।